स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं अम्बरीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अम्बरीश एजुकेटर। मैं पिछले 26 वर्षों से लगातार शिक्षक हूं, शिक्षा दे रहा हूं और इसके दौरान मैंने यह पाया है कि बहुत से पेरेंट्स, अभिभावक यह शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, बुक रीडिंग नहीं करता है और दूसरे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक बच्चा पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। बच्चा जब यह देखता है कि मेरे माता पिता तो पढ़ते नहीं हैं लेकिन मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं, तो यह समझ जाता है कि पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि अच्छी बात होती तो मेरे माता पिता भी पढ़ते। वह यह कहाँ जानता है कि उसके माता पिता तो पहले से ही सर्वज्ञानी हैं, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हम यह जानते हैं कि पढ़ने के लिए 5 सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रियां हैं, वह सीखने में हमारी सहायता करती हैं। उन्हीं के माध्यम से हम सीखते हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से टेस्ट करना और चर्म से स्पर्श करके जानना, यह ज्ञान इंद्रियां हैं जो जिनके माध्यम से हम सीखते हैं। बच्चा प्रारंभिक अवस्था में अपने आँख और कान, इन दोनों का प्रयोग करता है सीखने के लिए। अब सीखने के लिए उसके सामने एक स्ट्रांग ड्राइव होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। यह एम, यह स्ट्रांग ड्राइव हर आयु में अलग अलग होता है। छोटा बच्चा है, 5 साल का है या 5 साल से छोटा है, उसका अलग एम होगा, अलग स्ट्रांग ड्राइव बनाना पड़ेगा उसके लिए। और 6, 7, 8, 10 उसके बाद बड़ा होता है, तो हर आयु में ये ड्राइव या एम अलग अलग होगा। और दूसरा जो आवश्यक है वह है मन की एकाग्रता। अगर मन एकाग्र है तो शिक्षण ग्रहण करना आसान होता है। इसीलिए कहा गया है मन जीते जग जीत। मन की एकाग्रता जब बच्चे को प्राप्त होती है तो वह लगन से कार्य करता है। तीसरा है उसका स्वस्थ शरीर। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो यदि बच्चा स्वस्थ है तो उसका पढ़ने में मन लगेगा, और ऐसा स्वस्थ रहने के लिए उसे व्यायाम करना और एकाग्रता के लिए आवश्यक है योग और ध्यान। यह योग और ध्यान हमारे पूर्वजों की देन है। अब वह भी बच्चा कब करेगा? जब उसके पेरेंट्स करेंगे। तो हमें भी नित्य योग और ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा हमें देखकर वह भी योग और ध्यान करे तो उसकी एकाग्रता बढ़े। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाने पान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा खाएगा, स्वस्थ खाएगा, बाजार का बना जंक फूड नहीं खाएगा तो वह स्वस्थ रहेगा और अच्छा पढ़ेगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि खान पान और व्यवहार यह हमारा अगर सही हो तो हमारा बच्चा भी अभिमन्यु और अष्टावक्र जैसा गर्भज्ञानी बन सकता है, अर्जुन जैसा महान बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और मन के द्वारा ही सीखने का बच्चा प्रयास करेगा। इसलिए हम अपने व्यवहार, अपने खान पान का उद्देश्य अपने बच्चे के सामने रखें तो हमारा यह उद्देश्य कि हमारा बच्चा पढ़े यह अवश्य सफल होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका बच्चा भी एक दिन पढ़कर आपके सपनों को साकार करेगा। एजुकेशन से रिलेटेड यह मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी क्यों नहीं लगेगी, यह आपके बच्चे के भविष्य के साथ संबंधित है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे, मुझे उत्साह मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपसे करूँगा जिससे आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल और सुंदर होगा।